हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुरभि, इंडियन गर्ल इन यूरोप, और आज मैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आई हूँ। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये है कि 2023 में एक्सपेंसेस इन जर्मनी क्या। क्योंकि इन्फ्लेशन और जो पेंडेमी है उसके बाद जो यहाँ के रेट्स जो हैं, स्पेशली फूड प्राइजेज और ग्रॉसरी पे जो है वो रेट्स जो हैं, लाइक प्राइजेज जो है वो इंक्रीज़ हो गए हैं। और ये सिर्फ जर्मनी की बात नहीं है, पूरे यूरोप में जो है वो प्राइजेज इंक्रीज़ हो गए हैं। अराउंड 10.4% जो है वो इंक्रीज़ राइज देखा गया है यहाँ पर। तो मैंने सोचा कि मैं आपको एक रिपोर्ट बताऊँ कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं, बिकॉज़ बहुत सारे चांसेस मिलेंगे आपको इंडिया से यहाँ मूव करने के, तो अभी 2003 में क्या एक्सपेंसेस है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रेंट, यूटिलिटीज़, टीवी और रेडियो बिल हो गया, प्लस यहाँ का ग्रॉसरी या फूड प्राइजेस कितना है, इंडियन ग्रॉसरी के प्राइजेस कितने होते हैं पर मंथ, वो सारा जो है वो मैं इसमें कवर करूँगी। तो सबसे पहले हम रेंट पे आते हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस पे भी बताया था, जिसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, कि रेंट्स जो है वो प्योरली डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में रह रहे हैं, वेदर आप सिटी सेंटर के पास रह रहे हैं या दूर रह रहे हैं, या फिर आप एकदम मेन जो है मेन एरिया में रह रहे हैं तो आपके रेंट्स ज़्यादा होंगे। जैसे कि म्यूनिक और बर्लिन जो है वो सबसे ज़्यादा महंगा, लाइक रेंट जो है उसमें बहुत ज़्यादा है म्यूनिक और बर्लिन में। तो म्यूनिक एंड बर्लिन में जो रेंट्स हैं वो आपके ज़्यादा होंगे, वेयरएस अगर आप दूसरी सिटीज़ में देखो तो वहाँ कम होंगे। तो ऑन एन एवरेज यहाँ पर अगर वन बेडरूम अपार्टमेंट आप देखेंगे तो उसका जो एवरेज रेंट है वो अराउंड 850 यूरोज़ होता है, जो कि आप सिटी सेंटर में रहेंगे वन बेडरूम अपार्टमेंट। अगर आप थोड़े आउटर में रहेंगे तो 650 के लगभग आप समझ लो वन बेडरूम अपार्टमेंट। अगर आप किसी शेयर्ड अपार्टमेंट में रहेंगे तो अराउंड 450 यूरोज़ आप समझ लो। फिर अगर फैमिली के साथ रहेंगे तो ऑफकोर्स ये कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ होता रहेगा। अगर आपको रेंट्स जानना है स्पेशली म्यूनिक के और हमारे घर का रेंट कितना है, तो आप कुछ वीडियोस मैंने बनाए हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, वो आप देख सकते हो। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अगर आप फैमिली के साथ यहाँ पर आ रहे हैं तो ऑन एन एवरेज आपको रेंट के लिए कितना स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो मैंने फिगर बताए थे वो वन बेडरूम अपार्टमेंट के बताए थे। तो हमने सबसे पहले रेंट को अलग कर लिया, जो कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। अगर आप एक्सपेंसेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा पोर्शन जो है वो आपकी सैलरी का वो रेंट पे ही जाता है। अब हम आते हैं इंडियन ग्रॉसरी, इन जनरल ग्रॉसरी और फूड प्राइजेस पर। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर 2022 से 2023 में जो बिगेस्ट फ्लक्चुएशन आया है इन्फ्लेशन और पेंडेमिक की वजह से, वो है फूड प्राइजेज, ग्रॉसरी प्राइजेज। बहुत ज़्यादा फूड प्राइजेज जो हैं यहाँ पर इंक्रीज़ हो गए हैं, ये मैंने ही नोटिस किया, इवन सभी लोगों ने नोटिस किया। एंड स्पेशली हमारा जो इंडियन ग्रॉसरीज में कुछ सामान है, जैसे आटा, 2018 में जब मैं यहाँ पर आई थी तो कुछ 18 यूरो पर 10 केजी मिलता था, मतलब 18 यूरो का 10 केजी, आज उसका प्राइस 26 यूरो और 28 यूरो हो गया है, और मिलता भी नहीं है, लाइक शॉर्टेज भी है। तो और प्लस चावल, दाल, ये सारे प्राइजेस भी जो हैं वो पॉइंट कुछ सेंट से इंक्रीज़ होके बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं। लाइक जैसे मैंने ये आटे का बताया आपको, कुछ 10 यूरोज़ का डिफरेंस आया है, 8 से 10 यूरोज़ का। इसके अलावा एक और चीज़ हमने नोटिस करी है, जैसे वेजीज़ होती हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, तो यहाँ पर एक सुपरमार्केट में वेजिटेबल्स होती हैं जो यहाँ की वेजिटेबल्स होती हैं, और एक हमारी इंडियन वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे लौकी हो गई और भिंडी हो गई, जो कि यहाँ पर सुपरमार्केट्स में नहीं मिलती हैं। तो अब अगर आप दोनों वेजिटेबल्स को कंपेयर करो तो ये जो प्राइजेज हैं ये सेम ही हो गए हैं। जबकि जब 2018 में मैं यहाँ पर आई थी, पर किलो सब्ज़ी थी वो 2 यूरोज़ एंड ऑन एन एवरेज मिलती थी, और जबकि अगर हम इंडियन ग्रॉसरी देखें तो वो अराउंड 7 से 8 यूरोज़ पर केजी मिलती थी। अब दोनों सेम हो गए, ये अच्छी बात बोलो, बोल दो, बुरी बात बोल दो, आई डोंट नो, बट अब इन जनरल दोनों ही सेम है। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर जो सुपरमार्केट के प्राइजेज हैं वो बढ़ गए हैं, तो और वो भी फ्लक्चुएट होते हैं। तो पहले कभी भी सब्जियों में या फूड प्राइजेज में, ग्रॉसरी प्राइजेज में डिफरेंस नहीं आता था, पर अब फ्लक्चुएट होते रहते हैं। जैसे अगर आज मैं गई यहाँ के सुपरमार्केट में तो टमाटर 2 यूरो पर केजी मिलेंगे, कल जाऊँगी तो हो सकता है 4 यूरो पर केजी मिले। तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस भी आने लगा है, जो पहले कभी भी नहीं देखने मिला। एंड
पूरा स्टोरी को बताने के बाद मैं आपको बता देती हूँ, अगर एक सिंगल इंडिविजुअल है तो यहाँ पर उसका एक्सपेंसेस, ग्रॉसरी, फूड प्राइजेस इन सब का अराउंड 300 यूरोज़, लाइक 200 से 300 यूरोज़ होगा। अगर आप फैमिली के साथ हो तो 500 से 600 यूरोज़ होगा। हमारा खुद का भी 600 यूरोज़ जो है वो एक्सपेंसेस होता है, जिसमें ग्रॉसरी यहाँ पर जो सुपर मार्केट की है वो इंक्लूडेड होता है, हमारा जो फूड जो इंडियन ग्रॉसरी से आते हैं वो इंक्लूड होता है। तो ग्रॉसरी में अराउंड 17% जो है वो इंक्रीज हो गया है इस पर्टिकुलर ईयर में। अब हम नेक्स्ट जो कि है ट्रांसपोर्टेशन, जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो ट्रांसपोर्टेशन का अगर आप साइकिल यूज़ करोगे तो ऑफकोर्स आपको बहुत कम पे करना होगा, एंड साइकिल जो है वो यहाँ पर अगर आप सेकेंड हैंड लोगे तो 50 यूरोज़ से स्टार्ट होगी, और अगर एक अच्छी साइकिल लेना है जिससे आप ऑफिस भी जा सको तो 250 यूरोज़ तक आ जाएगी। इसके अलावा अगर हम ट्रांसपोर्टेशन टिकट की बात करें तो जो ट्रांसपोर्टेशन टिकट होता है यहाँ पर लाइक म्यूनिक या मोस्ट ऑफ द यहाँ की सिटीज़ में, वो मंथली भी होता है, पर डे के हिसाब से भी होता है, वीकली भी होता है, तो आप उस तरीके से ले सकते हो। बट ऑन एन एवरेज अगर आप सिटी में ही ट्रैवल कर रहे हो, मल्टीपल ट्रैवल कर रहे हो, पूरा मंथ का जो पास है वो अराउंड 80 यूरोज़ होगा। तो वो जो 80 यूरोज़ है वो पर पर्सन आप कंसीडर कर सकते हो अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए। कार जो है वो आप इनिशियली नहीं लोगे, और कार का जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जैसे इंश्योरेंस, लाइसेंस, ये सब चीज़ें जो है वो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और अभी मैं सिर्फ टारगेट कर रही हूँ जो लोग नए लोग 2023 में यहाँ आ रहे हैं, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। एक्सपेंसेस जो है वो टीवी और रेडियो का भी यहाँ पर आपको पे करना होता है, जबकि हम यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, यहाँ के टीवीज़ जो है वो यूज़ नहीं करते हैं, मतलब यहाँ के जो चैनल्स होते हैं, फिर भी हमें पे करना होता है। उसका कॉस्ट होता है अराउंड 18.36 यूरोज़, जो कि पूरा अपार्टमेंट, मतलब पर अपार्टमेंट का बिल होता है। तो अगर आप शेयर्ड अपार्टमेंट में रहते हो तो वो आप डिवाइड कर सकते हो, अगर आप पूरी फैमिली हो तो वो आपको 18.36 जो है वो पे करना पड़ेगा मंथली। एंड 50 यूरोज़ आप कंसिडर कर सकते हैं आपके इंटरनेट का बिल और फ़ोन में जो भी आप रिचार्ज वगैरह कराएंगे उसका। अब हम चलते हैं रेस्टोरेंट में। अगर हम यहाँ पर आएंगे तो ऑफकोर्स कभी ना कभी रेस्टोरेंट में जाएंगे, बाहर का यहाँ फूड भी ट्राई करेंगे, इंडियन फूड भी ट्राई करेंगे। तो अगर आप एक नॉर्मल से रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उसका एवरेज पर पर्सन मील जो होता है वो 12 यूरोज़ होता है, और अगर आप थोड़े से अच्छे वाले रेस्टोरेंट में जाओगे तो आप कंसीडर कर सकते हो 20 से 25 यूरोज़। और यहाँ के पर जो रेस्टोरेंट के प्राइजेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जो कि मैंने खुद ने नोटिस करे हैं, वो चाहे वो एक इंडियन रेस्टोरेंट हो या फिर यूरोपियन कोई रेस्टोरेंट हो, उसके भी प्राइजेज़ जो बढ़ गए हैं, ऑफकोर्स बिकॉज ग्रॉसरी के प्राइजेज़ बढ़ गए हैं, तो उसका पूरा इफेक्ट जो है वो रेस्टोरेंट में दिखा है। बट अगर आप 4 बार या 5 बार भी मंथली खाते हैं तो आप वो 100 यूरोज़ जो है पर पर्सन कंसीडर कर सकते हो आपका एक्सपेंसेस फॉर रेस्टोरेंट या बाहर डाइनिंग आउट के लिए। अगर आपको जिम मेंबरशिप लेनी है तो जिम मेंबरशिप स्टार्ट होती है पर मंथ अराउंड 25 यूरोज़, एंड जो सबसे अच्छे जिम है उसकी अराउंड 100 यूरोज़ होती है, जिसमें और भी फैसिलिटीज़ होती हैं, तो आप वो कंसीडर कर सकते हो। मतलब मैं वो उसमें नहीं डाल रही हूँ, पर यू कैन कंसीडर दैट। एक चीज़ और आपको कंसीडर करनी पड़ेगी अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो, आपको यहाँ पर आप अपार्टमेंट जब लेते हैं तो आपको वन मंथ से थ्री मंथ जो है वो डिपॉज़िट करना पड़ता है, और वो जो डिपॉज़िट अमाउंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी होता है यहाँ पर। तो जैसे मान लो अगर आपका 1000 यूरो रेंट है तो हो सकता है आपको 1000 यूरो से 3000 यूरो जो है वो डिपॉज़िट करना पड़े। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको एक माइंड में क्लैरिटी मिले कि यार इतना पैसा जो है वो मुझे सेव करना है वहाँ जाने तक, और वन मंथ मेरा एक्सपेंसेस क्या होगा, प्लस डिपॉज़िट के लिए मुझे कितना अमाउंट सेव करना है, प्लस और दूसरी चीज़ों के लिए। सो दैट्स व्हाई मैंने सोचा ये पर्टिकुलर पॉइंट भी आपको बता दूं। इसके अलावा एक बहुत ज़्यादा बड़ा खर्चा होगा अगर आप अनफर्निश्ड अपार्टमेंट में रह रहे हैं, तो आपको फर्नीचर खरीदना पड़ेगा, जिसके लिए बहुत सारे यहाँ पर स्टोर्स हैं, जैसे आईकिया हो गया, या फिर आप मार्केट प्लेस से सेकेंड हैंड ले सकते हैं। वो मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप फेसबुक मार्केट प्लेस से सेकेंड हैंड ले लो या ईबे से, तो वो भी आप कुछ अमाउंट जो है वो कंसीडर करो, अराउंड 1000 से 2000 यूरो फॉर फर्निशिंग द अपार्टमेंट। और अगर आप फर्निश अपार्टमेंट लेते हो तो उसका कॉस्ट जो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस तरीके के भी कुछ प्लेटफॉर्म होते हैं, जो कि आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मेरी कुछ रील्स देख सकते हो जो मैंने पहले बनाई है। और ये हो गया पूरा एक्सपेंसेस यहाँ पर जितना भी होता है।
तो अगर मैं पर पर्सन की बात करूँ तो यहाँ पर अराउंड 1200 to 3000 यूरो, ऑफ कोर्स आपकी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करेगा, तो ऑन एन एवरेज 1200 यूरोस तो आप मान ही लो। और अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो अराउंड 2200 यूरोस to 4000, 4000 उस केस में जब आप बहुत ही अच्छा लैविश लाइफस्टाइल, नॉट लैविश लाइफस्टाइल बट मोर कंफर्टेबल लाइफस्टाइल अगर आप जियोगे तो वो 4000 यूरो। तो इतना जो है वो एक्सपेंसेस है 2023 का यहाँ पर जर्मनी में। कुछ सिटीज़ बहुत ज़्यादा सस्ती होती हैं, उसका वीडियो जो है वो उसकी लिंक भी मैं आपको डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, जिस पे मैंने कुछ एक्सप्लेन किया है कि कौन से सिटीज़ का कितना रेंट होता है। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप जर्मनी में रहते हो तो आपके रेंट्स और आपके एक्सपेंसेस कितने हैं वो भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करना।